ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश को दिया था, मनहूस मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी थे। आप सबको पता होगा कि जब कभी भी चौधरी देवीलाल जैसे दिग्गज नेता मुख्यमंत्री के तौर से गांव में जाते थे, लोग उन्हें पलकों पर बिठाया करते थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी सरकार के द्वार लगा करके किस प्रकार से नई मिसाल कायम करने का काम किया था। आज का मुख्यमंत्री भूतपूर्व हो गया, जो गया था कैंपला गांव में, गया हेलीकॉप्टर लेकर के, किसानों ने, मजदूरों ने, खेतियों लोगों ने डंडे उठा लिए, लठ उठा लिए और रोड पत्थर इकट्ठे कर लिए। कहने लगे जब हेलीकॉप्टर नीचे उतरेगा तो इसके हेलीकॉप्टरों का स्वागत किया जाएगा। ऊपर से ही उड़ान भर गया कैंपला गांव से, गए थे नारनौल में, जाकर के वहां के किसानों ने, मजदूरों ने एक रात और एक दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बंदी बना करके रखा था। और आज ये कहता है कि मुझे जेट सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि मुझे किसानों से डर लगता है, क्योंकि मैंने किसानों को अनाप शनाप उनके जले पे नमक छिड़का हुआ है। तो जेट सिक्योरिटी देने के लिए भी इस अन्नदाता से आज इनको डर लगता है। साथियों, मैं इसलिए कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो अपने आप को कहती है कि हमने हरियाणा हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया, जिन किसानों कबेरे की वजह से आज हमने बंदरगाहें बनाई थी, जिनके खून पसीने से हमने हेलीकॉप्टर बना बना करके हमने हवाई अड्डे बनाए थे, जहाज बनाए थे, आज हमने जिस प्रकार से बंदरगाहें बनाई थी, बीमा कंपनियां बनाई थी, साथ ही उनको बेचा जा रहा है। आज उनको अडानी और अंबानी के सपोर्ट किया जा रहा है। कौन सा तीर मारा था, उनसे 15 लाख रुपए दिए थे, उनसे 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दी थी, कौन से एसवाईएल में पानी लेकर के आए थे, कब हंसी मुलाना नहर में पानी चला था, कौन सी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए कौन सी सुख सुविधा दी, कोई सुख सुविधा ये दे नहीं सके थे। परंतु किसानों, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कबेरे वर्ग के साथी भाइयों, केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर जब जब भी किसानी को ललकारा है, किसी ने अगर किसानी को ललकारा, मुझे वो दिन याद है कि चौधरी देवीलाल जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब भी किसानों के रहबर चौधरी चरण सिंह जी इस देश के होम मिनिस्टर थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, तब ललकारा था, चौधरी चरण सिंह को बर्खास्त कर दिया गया था। चौधरी देवीलाल ने कहा था कि चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन दिल्ली में हम मनाएंगे और लाखों किसानों के साथ खाएंगे। तो मोरारजी देसाई ने कहा था कि आप इस रैली में नहीं आओगे, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन नहीं मनाओगे। तो चौधरी देवीलाल ने कहा था, मैं किसान का बेटा पहले हूँ, बाद में मुख्यमंत्री हूँ, लाखों किसानों को लेकर के आऊंगा और दिल्ली के वॉट क्लब पे चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाऊंगा। ठीक ऐसा ही हुआ। हमारे लिए भी तो यही था कि किसान आंदोलित था, किसान 380 दिन से दिल्ली में बैठा था और देख रहा था कि तो राजनीतिक व्यक्ति हमारे लिए आएगा, कोई MLA आएगा, कोई MP आएगा, कोई भी नहीं बोला था। केवल अभय सिंह चौटाला थे जिन्होंने जाकर के वहां पे लंगर पी दिए, जिन्होंने जाकर के जनरेटर लगाए, अस्पताल खोले और अंत में जाकर के हरियाणा की विधानसभा से, एलनाबाद से विधायक होते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और कह दिया कि किसानों के बीच जा रहा हूँ और किसानों के आंदोलन में शरीक हो गए थे। साथियों, में इस किसान धरती को नमन करते हुए ये पूछना चाहता हूँ, किसान भाइयों, अभय सिंह चौटाला आज हमसे क्या मांगने आए हैं? केवल साथ, समर्थन और सहयोग मांगने आए हैं। जिन्होंने अपने लिए MLA का पद छोड़ दिया हो तो आज हम किस मुंह से उसको जवाब देंगे और कैसे ये कह सकते हैं आपको वोट नहीं दे पाएंगे? कई लोग ये भी कहेंगे, 1-2 सीट आएगी, 3 सीट आएगी, क्या हो जाएगा इस बात से। परंतु उनको कह देना, आज भी 90 विधायक हैं, 90 विधायकों में एक अकेला सब में भारी अभय सिंह चौटाला क्यों करते हैं? हम 2 संसदीय क्षेत्रों का दौरा करके आए हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि सिरसा की सीट हम जीतेंगे और कुछ क्षेत्र से अभय सिंह चौटाला जीतेंगे और आपकी सीट पे भी हम कोई नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। जब हरियाणा प्रदेश में हम कई MP जीत जाएंगे तो हरियाणा प्रदेश में एक परिवर्तन आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी और आपकी पार्टी की सरकार बनेगी। और साथियों, विशेष तौर से उन भाइयों को भी कहना जो हमारे संघर्ष के साथी रहे हैं, हमें किसी से गिला शिकवा और शिकायत नहीं,
वो तो एक पार्टी की घटना थी और जो घटना घटी आप सबके ऊपर से होके गुजरी है उसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारे कार्यकर्ता साथियों को हुआ जो हमारे संघर्ष के साथी हैं। आज वो भले किसी पार्टी में बैठे हैं तुम उनको कहना आप एक माध्यम हो अखबार के मित्र भी हमारे भाई हैं इनसे भी कहना चाहता हूँ कि कह देना कि अभय सिंह चौटाला आए थे रामपाल मादरा उनके साथ थे उन्होंने उनसे हार्दिक अपील की है हृदय से अपील करता हूँ कि वो साथी लौटे और संघर्ष में जुट जाए और फिर से किसानों का झंडा लहराएं आपका बहुत बहुत धन्यवाद।